जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं इस रेफरेंस फोटो को जो आपको थंबनेल में दिख ही चुका है। तो इस रेफरेंस फोटो को हम जो बिगिनर से उनके लिए खासकर बताएंगे और जो थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं डिटेल्स में बताऊँगा कैसे इसे हम ग्रिड में अच्छे से परफेक्टली इसका आउटलाइन ड्रॉ कर सकें। आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो आप हर एक आउटलाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे हम इस रेफरेंस फोटो को जब हम ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है इसे डाउनलोड ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर ये छोटा मोबाइल है, पुराना वर्जन बड़ा मोबाइल में, आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस का नाम अलग अलग दिख सकता है, पर जो है लोगो ऐसा ही दिखेगा। पर आपको यहाँ पर अब आपको इस ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इमेज पे क्लिक करके अपने इमेज को सिलेक्ट करना है जिस इमेज को आप ड्रॉ करने वाले हैं। अभी रेफरेंस फोटो को हम किस साइज़ में ड्रॉ करेंगे वो भी हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे इस बॉक्स के ऑप्शन पे सेल साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अब आप अच्छे से साइज़ अपना सिलेक्ट कर सकते हैं जिस साइज़ में आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं A4 साइज़ में ड्रॉ करूँगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। तो अब हम राइट साइड के इस ऑप्शन पे क्रॉप पेज साइज इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस तरह से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉप कर लिया। अब हम जितना पार्ट आपको क्रॉप करता हुआ देखा है उतना ही पार्ट हमें ड्रॉ करने को मिलेगी। तो ऊपर आपको इस सबसे क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन्स है इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस या फिर इन लाइनों से इन लाइनों का डिस्टेंस कितना रखे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं रखूँगा 13 मिलीमीटर यानी आधा इंच करके, आधा इंच में लगभग 13 मिलीमीटर ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे सेल साइज में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 13 मिलीमीटर एंटर कर देना है अगर आप 13 मिलीमीटर रख के ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने 13 मिलीमीटर रख दिया। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको इतना सारा बॉक्स जो है लाइन्स आ गया है। तो आपको कितना लाइन्स यहाँ पर दिखा है, इधर से लगभग इस तरफ से आया है लगभग 22 लाइन्स और ऊपर से इस तरफ से यह है 16 लाइन्स। तो हम किस इसे के क्या कर देंगे, हमने रखा था 13 मिलीमीटर, तो हम स्केल से नाप लेंगे इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस। अगर एक लाइन को आप नाप लेंगे तो बाकी हर एक लाइन अपने आप ही सेम साइज़ में जो है हो जाएगा। तो मैं यही करूँगा, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक और इस रेफरेंस फोटो का आउटलाइन वाले फोटो का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ दोस्तों 13 मिलीमीटर करके नाप लिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 मिलीमीटर है और इधर से भी 13 मिलीमीटर है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे ताकि ये बाद में इसे जूम ना हो जाए और जो है हमने नाप के रखा था वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आपको लॉक कर देंगे। अगर आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो कन्वर्ट हो गया। तब हम इसे हम तो कलरिंग ही ड्रॉ करेंगे फिलहाल, तो अभी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम इस आउटलाइन को ड्रॉ करने वाले हैं अपने ड्रॉइंग कॉपी में। तो इससे पहले हम इसके ऊपर जो है सेम टू सेम साइज़ में ग्रिड बना लेंगे। तो कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो कैसे आपको परफेक्टली ग्रिड बनाना है तो यहाँ पे आपको वो भी बता दूँ। तो ये है स्केल और यहाँ से जो है ये बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक एक जो है 13 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 13 मिलीमीटर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का 13 मिलीमीटर डिस्टेंस, इस तरह से डिस्टेंस देते देते आना है। और इस साइड से भी सेम टू सेम साइज में डिस्टेंस देते आना है। उसके बाद दोनों डॉट्स को आपस में जोड़ देना है। तो इधर से हो गया लाइन्स और इस तरफ से भी आपको सेम टू सेम साइज में जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 मिलीमीटर, फिर से 13 मिलीमीटर, फिर से 13 मिलीमीटर, इस तरह से डिस्टेंस देते आना है। उसके बाद इस तरफ से भी और उसके बाद आपस में इन दोनों को जोड़ देना है। तो यही अपने ऑटोमेटिक जो है ग्रिड आपका बन जाएगा। तो यही करने वाला हूँ मैं, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आपको सीरियल नंबर दे देना है जिस तरह से आपको ग्रिड में दिया गया है देखने को मिला था। तो हमने दोस्तों सेम टू सेम साइज़ में अपने ड्राइंग कॉपी में भी ग्रिड बना लिया है और सेम टू सेम साइज़ में सेम टू सेम हमने सीरियल नंबर्स भी दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर का लाइन इसे छोड़ देंगे हम क्योंकि एक्स्ट्रा है। तो इसे हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो है 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे रेफरेंस फोटो का आउटलाइन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो पॉइंट हमें पहले ढूंढ लेना है। तो हम रेफरेंस फोटो का आउटलाइन जो है आपको आसानी से समझाने के लिए मैं एक आसान सा पार्ट लूँगा। तो ले लें इस आईब्रो को, आईब्रो का जो ये आउटलाइन गया है आप लोगों को शायद दिख रहा है कैमरे में। तो हम पहले इस जो टॉप पार्ट, ये जो टॉप पॉइंट, इसको हम ढूंढेंगे। तो ये इसके आसपास की ये है क्रॉस पॉइंट, इस पॉइंट को हम ढूंढेंगे। इसके आसपास का यही पॉइंट है, इसे हम ढूंढेंगे ये पॉइंट कहाँ पर है। मतलब ऊपर से इस लाइन को देखना है और इस तरफ से इसी लाइन को देखना है। ऊपर से हम देखेंगे ये लाइन कितना है, इस लाइन का नंबर 8, इस नंबर का लाइन 8 है और इस तरफ से आपको देखना है 8। तो ऊपर से भी 8 और इस तरफ से भी 8। तो ये रहा ऊपर से 8 और इस तरफ से आपको देखना है और इस तरफ से 8, ये रहा 8 और इस तरफ से 8। ये पॉइंट हमें कहाँ पर मिला है, ये रहा अपने ड्राइंग कॉपी में। तो यहाँ से आपको देखना है ये जो आउट है, तो
इसे क्रॉस करके गया है, तो हमें क्रॉस करके इस तरफ से आया है और इस लाइन को भी क्रॉस करके गया है। तो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे आना है और इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी आपको नाप लेना है। तो मैं यही करूँगा, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 4-5 मिलीमीटर है डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर पहले डॉट दे देंगे, तो उसके बाद फिर से आपको ये आईब्रो से आगे बढ़ते हुए जो है इस लाइन को टच करके गया है, से इस पॉइंट से यहाँ पे आना है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको नाप देखना है। आएंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है लगभग यहाँ पे टच करके गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको यहाँ पे डॉट दे रहा है। इसके क्या करना है, इसी तरह से आपको हर एक पॉइंट को अब आप हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। और इसी तरह से मैं हर एक पार्ट को डॉट डॉट देके पहले और इस तरह से इसका आउटलाइन कंप्लीट करूंगा। और यही आसान तरीका है इसका आउटलाइन ड्रॉ करने का। तो आप इसी तरीके से आप आउटलाइन बहुत आसानी से परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। और इस पार्ट में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।